नमस्कार, खबर समय जगत में आपका स्वागत है। मैं हूँ आपके साथ अंकित और आइए अब खबरें देखते हैं विस्तार से। लांजी धर्मनगरी लांजी जहाँ प्राकृतिक छटा बिखेरती सुरवई वादियों में आदिकाल से साक्षात भगवान श्री कोटेश्वर महादेव का वास है। सिद्धपीठ एवं 108 उपलिंगों में से एक भगवान श्री कोटेश्वर महादेव की महिमा का संपूर्ण जिले और संभाग एवं आसपास के पड़ोसी राज्यों में इनकी महिमा का गुणगान व्याप्त है। जहां पर लांजी बालाघाट सहित पड़ोसी राज्यों से भी हजारों श्रद्धालुगण कोटेश्वर धाम पहुंचकर अभिषेक पूजन करते हैं। इसी कड़ी में आज 6 जून दिन गुरुवार को आचार्य कौशिक जी महाराज का आगमन लांजी में हुआ, जहां वे सर्वप्रथम प्रातः 11 बजे के मध्य कोटेश्वर धाम पहुंचे एवं यहां पर कोटेश्वर नाथ का महाअभिषेक पूजन किया। बता दें कि उक्त महाअभिषेक पूजन के पश्चात आचार्य कौशिक जी महाराज की मुखारविंद से 1 घंटे का प्रवचन कार्यक्रम भी सुनिश्चित किया। उक्त संपूर्ण महाअभिषेक पूजन में अधिक से अधिक संख्या में कोटेश्वर धाम पहुंचकर उक्त महाअभिषेक पूजन का पुण्य लाभ अर्जित किए और प्रवचन कार्यक्रम में भी उपस्थित हुए। श्री हनुमान जी महाराज के, कोटेश्वर नाथ भगवान के, परम करुणामयी गौ माता की, परम यज्ञेश्वरी गैया मैया की, नमः पार्वती पतये हर हर महादेव, जय जय श्री राधेश। भगवान कोटेश्वरनाथ जिला बालाघाट लांजी की पावन धरती पर हजारों वर्ष पूर्व जो पिंडी प्रकट हुई है, जो क्या जनमानस के कल्याण में भगवान बड़ी कृपा का वर्षण कर रहे हैं। 2 मिनट बस मुझे सुन लीजिए। हम बड़े भाग्यशाली हैं, बड़भागे, आज अमावस्या के दिन भगवान कोटेश्वरनाथ भगवान का वंदन और पूजन किया है। दुनिया की मृत्यु लोक की ऐसी कोई समस्या नहीं है जो महादेव की कृपा से, जो बिल्कुल सहज में जिसका समाधान ना हो जाए। भगवान महादेव हर चीज देते हैं। जलधारा शिव प्रिय है, एक ऐसा अद्भुत देवता है जो सिर्फ जल से ही प्रसन्न हो जाता है। माता, आप सुन नहीं रहे हैं, 5 मिनट सुन लीजिएगा। आपसे बन सके तो साबुत मूंग से रोज भगवान शंकर का पूजन कीजिए, साबुत गेहूं के दाने से भगवान महादेव का पूजन कीजिए और चने की दाल से भगवान का पूजन कीजिए, काले तिल से भगवान का पूजन कीजिए और आम्र रस से, गन्ने के रस से, जामुन के रस से, इनसे भगवान शंकर के महाअभिषेक और पूजन की बहुत बड़ी महिमा है। अब इससे होता क्या है वो सुन लीजिएगा। जैसे आप मूंग के द्वारा भगवान का पूजा पाठ आप करते हैं, किसी भी प्रकार का किसी का जादू टोना टोटका आपके ऊपर किसी का प्रभावित नहीं करेगा। शिव पुराण में वर्णन है, जो 1 लाख गेहूं के दाने से भगवान शंकर की पूजा करते हैं, नारी का बांझपन समाप्त हो जाता है। भगवान शंकर के ऊपर श्वेत वस्त्र उड़ाकर के शंकर जी का अभिषेक किया जाए, फिर उस वस्त्र को नारी रोज अपने तकिए के अंदर रख करके शयन करे, भगवान महादेव उस वस्त्र के प्रभाव के द्वारा नारी के बांझपन को दूर कर देंगे। इतनी बड़ी महिमा भगवान शंकर की है। और भी आप सुन लीजिएगा, गेहूं ये वंश वृद्धि करता है। भगवान शिव के ऊपर पीले कनेर के फूल से पूजा करने पर घर के बच्चे विद्वान हो जाते हैं, लाल फूल से भगवान की पूजा करने से किसी का जादू टोना टोटका नहीं चलता और कमल के फूल से भगवान शंकर की पूजा करने से प्रचुर मात्रा में संपदा चल करके आती है। दुश्मन भी अपना हो जाता है जब जल में शहद मिला करके भगवान शंकर का पूजन किया जाए और जल में भस्म मिला करके यदि भगवान शंकर का अभिषेक करते हैं तो घर में भूत प्रेत अलाय बलाय ये सब समाप्त हो जाती हैं। इतनी बड़ी महिमा भगवान शंकर की है। भगवान शंकर के पिंडी पर 3 जगह चंदन लगाया जाता है। एक तो नीचे लगाते हैं, नीचे चंदन लगाने से विद्वता चल करके आती है और मध्य में चंदन लगाने से संपत्ति बढ़ती है, सबके ऊपर चंदन लगाने से व्यक्ति अपनी मृत्यु को जीत लेता है। सबसे नीचे ब्रह्मा का वास है, मध्य में नारायण का वास है और सबसे ऊपर है जो रुद्र का वास है। हमेशा यदि अभिषेक करते समय जहाँ जल लहरी के ऊपर पानी गिरता है, यदि अभिषेक करने वाले का मुख उधर हो तो उसकी बहुत ज्यादा महिमा है। अभिषेक करते समय यदि सर्प देवता ऊपर हैं तो इससे आपकी कुंडली की प्रतिकूलता दूर हो जाती है। जहां भी किसी भी प्रकार का काल सर्प दोष है वह सब समाप्त हो जाता है। मंगलवार को लांजी से खबर समय जगत के लिए रुपेश रावते की रिपोर्ट। लेटेस्ट न्यूज सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकॉन।